इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कार्य के लिए। और आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों से, देखिए वो क्या क्या लागू रखने हैं। दिल्ली सरकार भी अपने इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ रही। हम अभी और नए ऑक्सीजन बेड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के कई हजार सिलेंडर खरीद रहे हैं, नए नए आईसीयू बेड बना रहे हैं, ताकि भगवान ना करे अगर कोरोना के केस फिर से बढ़ गए तो हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों में बहुत दुखदाई दिन बीते। पिछले सभी कोशिशों के बावजूद हम अपने कई दिल्लीवासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में तो एक से ज्यादा मौत हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूं कि उनके दुख को मैं समझता हूं, पर आप चिंता मत करना बच्चों, आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे, हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था, अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे चले गए, इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। ऐसे परिवारों की हम आर्थिक मदद तो कर देंगे, पर ऐसे बच्चों को, बुजुर्गों को इस वक्त प्यार की जरूरत है, हमदर्दी की जरूरत है। मेरी ऐसे परिवारों के सभी पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों से विनती है, इनका ख्याल रखना। ऐसे परिवारों पे बहुत बड़ी मुसीबत आई है, इन्हें अपना प्यार और अपनी हमदर्दी देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, हम सब एक परिवार हैं। इस दुख की घड़ी में हमें एक दूसरे की मदद करनी है। आज ईद का त्यौहार है, ऊपर वाले से आपकी सेहत और आपकी खुशियों की प्रार्थना करता हूं। नमस्कार। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा यहां पर की है कि ऐसे जो भी परिवार हैं जहां बच्चे अनाथ हो रहे हैं क्योंकि माता पिता कोविड की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है, उन बच्चों की देखरेख दिल्ली सरकार करेगी, पढ़ाई बिल्कुल नहीं रुकेगी। और खास करके बुजुर्ग जो हैं उनके घर में अगर कोई उनको देखने वाला नहीं है तो दिल्ली सरकार उसके लिए मदद करेगी। बड़ी कदम है। आज से एक दिन पहले यानी कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐसी ही बड़ी पहल की थी, उन्होंने भी राशि की घोषणा की और मदद की घोषणा की थी। अब सरकारें आगे आ रही हैं, जो बड़ी अच्छी बात है। और आइए अब चर्चा करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।